हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको कॉपी पेस्ट चैनल की ताकत दिखाने वाला हूं कि आप कॉपी पेस्ट चैनल बना करके कितना ज्यादा कमा सकते हो। मैंने कई सारे कॉपी पेस्ट चैनल वालों से बात किया है, जिसमें से एक चैनल का एनालिटिक्स मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन किया हुआ हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, 2.6 मिलियन व्यूज, 131,000 घंटे का वॉच टाइम, 16,000 सब्सक्राइबर और एस्टिमेटेड रेवेन्यू जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये डेटा मैं जो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 28 दिन का डेटा दिखा रहा हूँ। ये डेटा जो दिखा रहा हूँ कॉपी पेस्ट चैनल का, 28 दिन का डेटा दिखा रहा हूँ और आप 28 दिन की अर्निंग आप देख करके चौंक जाओगे और अभी कॉपी पेस्ट चैनल बना लोगे। सिर्फ क्या करना है जानते हो क्या है? गूगल से कॉपी करना है, ठीक है, और अपने चैनल पर डालना है, अपने चैनल पर अपलोड करना है। और अर्निंग देखो यहाँ पर इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, सॉरी यहाँ ये तो पॉइंट में है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1,25,000, लगभग 1,26,000 रुपया 28 दिन की अर्निंग यहां पर आप देख लीजिए। यह है गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ बनाया हुआ चैनल। एस्टिमेटेड रेवेन्यू अभी आप देख रहे हो दोस्तों। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल से कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। कैसे करना है, चैनल कैसे बनाना है, गूगल से कैसे कॉपी करना है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में, आप देख लीजिए। और भी कई सारे आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आपको लगेगा, आप लोग सोच रहे हो कि इसको हल्के में ले रहे हो गूगल से कॉपी पेस्ट करना। दोस्तों इसमें कई सारे लोग ऐसे चैनल बना करके मिलियंस में सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हुए हैं, उसमें से कुछ रिजल्ट आपको मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक चैनल यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इस चैनल का नाम है सदाबहार हिंदी कहानियाँ। ये देखो, ये वीडियोज़ बनाते हैं, 2 महीने में देखो 6.6 मिलियन व्यूज़ हैं, 8 महीने में देखो 2.7 मिलियन व्यूज है, 4 महीने में 1.7 मिलियन व्यूज है, 1.6 मिलियन व्यूज है। दोस्तों इसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं। और सिंपल से क्या करना है ये देखिए, इसमें क्या है ये देखिए, एक चैनल और आपके सामने यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ। ये देखो एस ए हिंदी कहानियां, 14,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर है, 107 वीडियो अपलोड की गई है। और जरा व्यूज देखो, सिर्फ 14,000 सब्सक्राइबर में व्यूज देखो, 8 मिलियन व्यूज है, 2 महीने में 8 मिलियन व्यूज है। सिंपल से क्या गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थंबनेल बनाया गया है, एक भी ऐसा भी बेटा होता है, खुद ही देख लो, आंसू नहीं रुकेगा, ऐसे कहानियां बनाई जाती हैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैं एक और चैनल दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ था, आपको बताया हुआ था, हनिया वॉइस चैनल, इनके चैनल पर भी अभी देख सकते हो 82,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 192 वीडियो इन्होंने बनाया हुआ है। इनके चैनल पर देखो 8.1 मिलियन व्यूज है, 3.1 मिलियन व्यूज है, 2.9 मिलियन व्यूज है, यहाँ पर 2 मिलियन व्यूज है, मतलब मिलियंस में व्यूज जाते हैं दोस्तों, मिलियन। जैसे जैसे आपकी वीडियो पुरानी होती जाएंगे, मिलियंस में व्यूज जाएंगे और एक एक वीडियो से आपको लाखों रुपए यहां पर आपको कमाने को मिलेगा, जैसा कि मैंने यहां पर आपको मैंने प्रूफ के तौर पे दिखा दिया। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं। यहां पर आप देखो 1,25,000 रुपया 28 दिन में बिना वीडियो, मतलब बिना चेहरा दिखाए हुए, सिर्फ आपको गूगल से कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ना, अभी अगर आपने कोई भी चैनल नहीं बनाया है कॉपी पेस्ट का, तो यार एक चैनल बना लेना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से आपको वही करना है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, सिंपल से आपको गूगल से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, सिर्फ आप ही नहीं, आप सोचते हो कि मैं कौन सा कंटेंट बनाऊँ, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर देखो, मैंने आपको प्रूफ के तौर पर दिखा दिया, एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल तो आपके सामने ही मैंने दिखा दिया, अब तीन चैनल पर मिलियंस में व्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये लोग कितना कमाते होंगे। आप रेगुलर वीडियोज बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला वीडियोज बना करके आप लाखों रुपया छाप सकते हो। आपको सिंपल से क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर के वहाँ पे कॉपी करना है, कुछ जो भी आपको बनाना है वहाँ पर डालिए, आपको गूगल दे देगा, कॉपी करके अपने चैनल पर डाल दीजिए, अपलोड करके दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना ज़्यादा उस पर व्यूज आते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर देखो, ये देखो 6 मिलियन, 2.2 मिलियन, 1.7 मिलियन, हनिया वॉइस के चैनल पर देखिए 8 मिलियन, 3 मिलियन, 2.39 मिलियन, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। और इन सभी चैनल को लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें स्टोरी रहती है, सुनते जाते हैं, स्टोरी पसंद आती है। देखो कितने मिनट की वीडियो, 2.5 मिनट, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 2 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ये चैनल देखो 3 मिनट, ज़्यादा लंबी वीडियो बनी है, यानी कि आपको मेहनत भी बहुत कम करना पड़ेगा। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे करना है। यार भाई, इस वीडियो को अगर पसंद आने, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि यार भाई बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बना करके दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखिए करना क्या है, आपको इस तरह से गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है गरीब किसान की कहानियाँ, ठीक है, इस तरह से ओपन करोगे तो आपके सामने देखो कि बहुत सारी कहानियाँ इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जितनी कहानियाँ आप लेना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक कहानी है, एक गरीब की
किसान की दुख भरी कहानी। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो का टाइटल ही मिल जाएगा। आपको अपने वीडियो का टाइटल क्या रखना है यहीं से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी, आप इसे अपने वीडियो का टाइटल बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर एक कहानी है जो यहाँ पर इस तरह से पैराग्राफ में लिखा गया है, इसको आपको सिंपल से कॉपी करके अपने वीडियो फॉर्मेट बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, एडिट कैसे करना है वो एडिट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने एडिट अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो आपकी कहानी वाली वीडियो बन ही नहीं पाएगी, आप एडिट ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है, सारी कहानी को आपको कॉपी करके यहाँ पर देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉपी किया। अब कॉपी कर लेने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, या तो आपके फ़ोन में होगा कीप नोट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस कहानी को पैराग्राफ अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे यहाँ पर प्लस वाला आइकन मिलेगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से जो आपने कहानी लिया हुआ है उसको आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ये देखो कहानी इस तरह से यहाँ पर आ गया है ना, देख लीजिए कहानी इस तरह से आ गया है। अब आपको इसको अच्छे से अरेंज करना है, ये वाला जितना भी खाली जगह है अरेंज करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको कुछ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा खाली जगह जो है उसको अरेंज करके एक साथ में पूरा ला देना है। तो जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है ना, इस तरह से आपको अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। और एक बात याद रखिए कि कितने मिनट तक आपको अपनी वीडियोज़ बनाना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उस हिसाब को आपको अपनी कहानी को एडजस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पैराग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल से हमको करना क्या है, जैसे मान लीजिए गरीब किसान की कहानी बना रहे हो तो गरीब किसान भी आपको स्टोरी में दिखना चाहिए, तभी तो स्टोरी का मजा आएगा। तो उसके लिए सिंपल से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया हुआ है, इमेज सर्च मैन, इसमें जाइए। यहाँ पर देखिए पुअर विलेज ओल्ड मैन, इस तरह से सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे फुटेज निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। कोई भी फोटो आपको डाउनलोड करना है यहाँ से पर आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए देखिए जितने भी सारे फोटोज़ हैं ये गरीब किसान ही हैं, ये देखिए इस ये वाला फोटो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। आपको जो भी डाउनलोड करना है, जैसे मान लीजिए ये फोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। इस तरह से आपका कहानी का जो भी थीम रहे, गरीब किसान के ऊपर में है तो गरीब किसान वाला डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी है जिसके बारे में भी आप स्टोरी बना रहे हो सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे फोटोज़ मिल जाएंगी और कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। इसके बाद आपको सिंपल से इस तरह से बैक कर देना है। बैक करके आप जब फोटो डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपको अपने वीडियो को एडिट करना है। तो सिंपल से सबसे पहले हमें क्या करना है, काइन मास्टर ओपन कर लेना है, ठीक है। ठीक है, काइन मास्टर जब आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रेशियो देगा 16:9, 9:16, 1:1, किसी में भी आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपने YouTube की वीडियोस बनाना है तो आपको यहाँ पर 16:9 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको बैकग्राउंड सबसे पहले लेना है। तो यहाँ पर इमेज असेट्स में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप ब्लैक भी ले सकते हो या फिर आप वाइट भी ले सकते हो, आपको अपने मर्जी के ऊपर में है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला डिलीट कर दिया, वाइट वाला बैकग्राउंड मैंने ले लिया, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल से हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक मिनट तक अपनी वीडियोस को बनाना है तो इस लेयर को हमें एक मिनट तक पूरा फैला देना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एडिट करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए एडिट आपने अच्छे तरीके से नहीं किया, आपकी पूरी वीडियो बेकार हो जाएगी, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट तक मैंने इसको फैला दिया। इसके बाद यहाँ पर बूढ़े आदमी की फ़ोटो को हमको लगाना है। लेयर पर क्लिक किया, मीडिया पर गया। मीडिया पर जाने के बाद जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही वाली फ़ोटो मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इस पर अच्छा बैठ रहा है, तो हमको इस तरह से यहाँ पर ये वाली फ़ोटो लगा देना है। लगाने के बाद में हमको ये वाली फ़ोटो भी एक मिनट तक पूरा यहाँ पर फैलाना है, ध्यान से देखिएगा। इस वाली फ़ोटो को भी एक मिनट तक पूरा वीडियो में फैला करके रखना है, देख लीजिए यहाँ तक मैंने फैला करके रख दिया। अब ये देखो पूरी वीडियो में ये फ़ोटो रहेगा, कहीं हिले उलेगा नहीं। इसके बाद हमें सिंपल से क्या करना है, अब ये जो खाली जगह जो बचा हुआ है ये वाइट वाला, यहाँ पर हमको स्टोरी लाना है। तो सिंपल से हम चले जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद में जो कीप वाले यहाँ पर नोट्स में किया हुआ था, यहाँ पर मैंने देखी स्टोरी अरेंजमेंट किया हुआ है, इसको सिंपल से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी कर लेना है, यहाँ पर इस तरह से करेंगे और करने के बाद में जैसे मान लीजिए एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, यहाँ से मैंने कॉपी किया और ज़्यादा इस जमीन इस सेठ के यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया, ध्यान से देखिएगा। कॉपी कर लेने के बाद में हमको यहाँ पर आना है, काइन मास्टर ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना है और ये जो मैंने स्टोरी कॉपी किया हुआ है इस तरह से लगा करके आपको ओके कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर हमारी स्टोरी आ गई, लेकिन यहाँ पर
दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद हमको इसको ब्लैक कर देना। देखिए ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक कर देने के बाद अभी देखो वो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक। तो मज़ा नहीं आ रहा है तो हमको सिंपल से क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट पे चले जाना है। फॉन्ट पे चले जाने के बाद में यहाँ पर देखो नीचे हम आएंगे तो ये देखो एक रोबोट ब्लैक करके, रोबोट बोल्ड करके इसको हमको सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट कर देने के बाद देखो ये हमारा जो है थोड़ा सा मोटा हो गया है, हमको इसको और भी मोटा करना है। अगर तभी तो थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। तो यहाँ पर रोबोट ब्लैक पे हम कर देंगे तो हमारा देखो स्टोरी जो है वो लेटर बोल्ड में हो गया है। लेकिन अभी क्या यहाँ पर देखो फिट नहीं बैठ रहा, तो हमको सिंपल से क्या करना है, जो फोटो है ये गरीब आदमी की, इसको थोड़ा सा हमको साइड में कर देना है ताकि हमारा ये वाला जो है यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से फिट हो जाए, ठीक। अब इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ये जो कहानी है हमारी नीचे से ऊपर जानी चाहिए, ठीक। तो सिंपल से हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको इसको इस तरह से नीचे कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, नीचे कर लेना है। और इसके बाद ये वाले इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर एक की वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको हमको सेलेक्ट करके यहाँ लास्ट तक करके यहाँ पर प्लस वाला एक पॉइंट कर देना है, यहाँ पर की सेलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें अपनी स्टोरी को ऊपर ले जाना है। कैसे ले जाना है, इसको धीरे 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 इस तरह से ऊपर लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है और पूरा लास्ट तक लेके जाना है। ध्यान से देख लीजिएगा, लास्ट तक लेके जाना है। इतना हमारा हो गया। अब देखो इसको मैं आपके सामने चला करके दिखाऊंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने चलाया, ये देखो हमारी कहानी ऊपर जा रही है। अभी ये जो ज़्यादा फास्ट फास्ट में है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा भी लोगे ना तो ये देखोगे अब आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी। ये देखो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों का होता है, ठीक है। इस तरह से चल रहा है। अब इसके बाद सिंपल से क्या करना, हमारी इतनी स्टोरी तो हो गई। अब इसी पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर देखो थ्री डॉट वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना, ठीक है। वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, डुप्लीकेट पर क्लिक कर दिया तो अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है कि हमारी ये वाली कहानी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है, वहाँ से हमें दूसरी कहानी, ये वाली कहानी का दूसरा पार्ट भी चाहिए, यानी कि पूरी कहानी दिखाना है। तो हमको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला जो लेयर है जो डुप्लीकेट हमने लिया हुआ था इसको इस तरह से यहाँ पर स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देना है। तो अब देखो हमारी ये वाली कहानी इस सेट के यहाँ से ख़त्म हो रहा है और बीच में देखो काफ़ी गैप हो गया है, तो हमको नीचे वाले लेयर पर इस तरह से खसका करके इस तरह से करते जाना है ताकि यहाँ पर एकदम से नज़दीक में चला जाए। देखो यहाँ पर धीरे 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 मैं फैला रहा हूँ, ये देखो, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, नीचे कर देना। ये देखो यहाँ पर पूरा सेट हो गया है ना। अभी देखो यहाँ पर ये देखो चल रहा है, चल रहा है। इसके बाद हमारा ये वाला कहानी चल गया, इसके बाद नीचे वाली कहानी देखना उसके साथ भी वो भी चलने लगेगा, ठीक है। ये देखो पूरा एक साथ मैच हो गया ना। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई दोस्तों कि दोनों कहानियाँ तो एक ही हो गई, तो सिंपल से ये देखो ये वाला जो हमने नीचे वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो कहाँ से कहाँ तक लास्ट कहानी थी, हमने यहाँ पर कहाँ से कॉपी किया हुआ था, यहाँ से ले करके जमीन के इस सेठ के तक कॉपी किया हुआ था। अब इसके बाद हमें नीचे वाली कहानी को कॉपी कर लेना, ठीक है, इस तरह से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में हमें आना है और सिंपल से ये वाला जो नीचे वाला लेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ था इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में यहाँ पर इसको डिलीट कर देना, ठीक है, सारा को डिलीट कर देना है। ध्यान से देखते रहिएगा, सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट हो गया। और इसके बाद वो वाली कहानी को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब देखो जमीन के इस सेठ के पास थी, यहाँ से कहानी चेंज हो गया। कहानी चेंज होने के बाद हमारा यहाँ पर दूसरा कहानी चलने लगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको चला करके दिखा दे रहा हूँ। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज़्यादातर लोग पैसे वालों का होता है। देखो कहानी अच्छे तरीके से चल रही है। जब आपका कहानी इस तरह से पूरा हो जाए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी कहानी हो गई है, अब यहाँ पर इस कहानी का यहाँ पर आपको टाइटल लिखना पड़ेगा ना कि आखिर ये कहानी किस टॉपिक पर चल रही है। तो एक गरीब किसान की कहानी, तो यहाँ पर सिंपल से हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेयर पे जाना पड़ेगा। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर लिखना है हिंदी के टाइटल में, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, आपको मैं अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा में। और यहाँ पर लिखना है एक हिंदी में, एक गरीब किसान की कहानी, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद यहाँ पर इतना हो गया और इसको हमको क्या करना है, सिंपल से ये देखो अभी यहाँ पर वाइट वाइट दिख रहा है, तो सिंपल से हमको इसमें क्या करना है, ब्लैक पे जाना है। ब्लैक पे जाने के बाद हमको इसको ब्लू कर देना है। ये देखो ब्लू हो गया, लेकिन अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है। हमको सबसे पहले यहाँ पर एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक किया, इस तरह से किया और इसको यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला, इस पर क्लिक करने के बाद हमको इसको येलो करके पूरा फैला देना है। तो ये देखो अच्छा सा हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही, अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ये कहानी चल रही है, यहाँ पर देखिए ये कहानी चल रही है, ठीक है, अब उसके साथ में ये वाला भी ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला।
तो सिंपल से हम इसको क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही यहां पर ये आएगा ठीक, और वैसे ही ये ऊपर में चला जाएगा। तो यहां पर हमने क्लिक किया, डॉट लगाया ठीक है, इसके बाद हम इसको इस तरह से ऊपर कर देंगे ठीक है, इस तरह से ऊपर कर देंगे। ये देखिए ऊपर चला गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारी कहानी आएगी, देखिए एक गरीब किसान की कहानी चलने लगा ठीक है। अब देखिएगा ये भी ऊपर में चला गया, ऊपर में चला गया, हमारी कहानी यहाँ पर अच्छे तरीके से चलने लगी। अब यहाँ पर हमको सेकंड काम क्या करना है, हमको सबसे पहले दो काम करना है। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक हमको यहाँ पर लगा लेना है ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यहाँ पर लगा लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद सबसे पहले हमको इसका आवाज़ कम करना पड़ेगा। आवाज़ कम करने के बाद में इसके बाद हमको यहाँ पर डकिंग वाले पे कर देना है ठीक है। अब हमारी कहानी चलने लगी, अब हमको इसमें अपनी कहानी में हमको आवाज़ डालना है ठीक, आवाज़ डालना है। तो यहाँ पर सिंपल से हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ध्यान से देखिएगा ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज्यादातर पैसे वाले लोगों का होता है। इस धनवान सेठ को भी अपने गांव में बहुत ज्यादा घमंड था। इस तरह से यहां पर कर देना है ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने यहां पर कहानी चलाऊंगा, देखिए सुनिए। क्लिक किया, एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था, जैसे कि ज्यादातर पैसे वाले लोगों का होता है। इस धनवान, अब इस तरह से चलने लगा। आपको इसी तरह से अपने स्टोरी को अच्छे से वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के बाद में वॉइस ओवर करने के बाद में आपको सिंपल से इस तरह से आना है और अपने वीडियो को इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है। आपकी जो वीडियो का अच्छा सा मतलब आपने जो वीडियो बनाया वो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट करने के बाद में आप इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए, अच्छे से टाइटल थंबनेल बना करके इसे अपलोड कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो है ना, अगर आपका थंबनेल अच्छा रहेगा ना तो आपकी जितनी भी वीडियोज होगी वो सभी वायरल जाएंगी। आपको बस अच्छे से अपनी स्टोरी वीडियोज को बनाना है, बना करके अपलोड कर देना। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की आपकी वीडियो होनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप एक स्टोरी चैनल बना करके रेगुलर स्टोरी वीडियो अपलोड करके आपको गूगल से बहुत सारे स्टोरी मिल जाएंगे। कॉपी कीजिए, कॉपी करके अपना वीडियोज बनाइए, वीडियो बना करके अपने चैनल पर डालिए और वीडियो से आप लाखों रुपये आप महीने के कमा सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रूफ में दिखाया था। दोस्तों अगर ये सोच के आ रहे हो आज ही अपना चैनल बनाओ, चैनल बनाने के बाद में स्टोरी वाले वीडियोस बना करके आप पैसे कमाओ। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।